हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी टिप्स जिससे गाइस आप बहुत अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे। इन टिप्स के अंदर आज मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप क्या क्या गलतियां करते हो, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप उन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हो जिससे आपका गेम प्ले और अच्छा हो जाए। एंड गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप एक भी टिप मिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, एक भी टिप को मिस मत करना और जितना हो सके उतना इन टिप्स को अप्लाई करना। आप एक बहुत अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। तो चलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना है। नीचे वो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको सभी के सभी बंदे दबा दो एंड नोटिफिकेशन बेल को सारे के सारे ऑल पे सेट कर लो। जिसने भी अभी ऑल पे सेट नहीं किया है, जाके ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करो। तो चलो गाइस, अब हम टिप नंबर 1 बताते हैं, जो है लॉन्ग रेंज ओपन एरिया। तो गाइस, लॉन्ग रेंज ओपन एरिया का मतलब क्या है? जब आप कहीं भाग रहे होते हो ओपन में और कोई आपके ऊपर फायर करता है, तो आप क्या करते हो, एक ग्लू होल लगा लेते हो और उस ग्लू होल के पीछे खड़े होके आप मैडी मारते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप ओपन एरिया में फाइट लेते हो। गाइज, ये गलती क्यों है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जब भी आप ओपन एरिया में ऐसे फाइट लेते हो तो एनिमी आपको थोड़ा सा भी डैमेज देगा, उसके बाद जब आप ग्लू वॉल के पीछे खड़े होगे तो एनिमी उस ग्लू वॉल को तोड़ता रहता है। तो जब वो उस ग्लू वॉल को तोड़ेगा और आपको मैडी मारने का मौका नहीं मिलेगा और वो आपको बहुत इजिली मार देगा। एंड गाइज, अगर आप ओपन एरिया में ऐसे फाइट लेते हो और अगर एनिमी के पास MA2 भी होगी तो वो आपको मौका ही नहीं देगा और वो आपको बहुत इजीली मार देगा, बिकॉज MA2 भी ग्लू वॉल के पीछे ही आपको डैमेज दे देगी और एक सिंगल ग्लू वॉल आपको बचा नहीं पाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोरोनो कैरेक्टर है फिर तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगर आपको डैमेज पड़ता भी है तो आप कोरोनो कैरेक्टर का यूज करके एनिमी को डैमेज दे सकते हो। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास कोरोनो कैरेक्टर नहीं होता है। तब आपको क्या करना है गाइस, कि आपको अपने आसपास एक परमानेंट कवर देखना है। जैसे यहाँ पे मुझे डैमेज पड़ा है तो मुझे अपने आसपास परमानेंट कवर देखना है और मैं ग्लू वॉल लगा के उस परमानेंट कवर तक जाऊंगा, ताकि वहां पर मैं कवर लेके एनिमी को बहुत इजली मार सकूं। क्योंकि जब आप परमानेंट कवर ले लोगे तो MA2B के चांसेस भी कम हो जाते हैं कि वो आपको मार सके। तो अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2 की, जो कि है हेडशॉट। गाइस, आप हेडशॉट बहुत इजीली खा लेते हो किसी भी प्रो प्लेयर से, और अब आपको हेडशॉट पढ़ते कैसे हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं। तो गाइस, आपको हेडशॉट सिर्फ दो ही तरीकों से पढ़ते हैं। सबसे पहला, जब आप स्टिल खड़े होके एनिमी को मारते हो। गाइस, प्रो प्लेयर क्या होते हैं, सिर्फ ड्रैग करते हैं और आपको इजीली हेडशॉट पड़ जाता है। और दूसरा तरीका तब होता है जब गाइस आप एनिमी की तरफ देखकर भाग रहे होते हो। जब आप एनिमी की तरफ देख के भागोगे तो वो जब थोड़ा सा भी ड्रैग करेगा तो आपको हेडशॉट पड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बचना है। तो गाइस, यहाँ पर आप मेरा मूविंग कर्सर देखो, तो मैं यहाँ पर अंदर बाहर की तरफ कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो आप ग्लू वॉल को देख सकते हो कि ग्लू वॉल के कैसे मैं अंदर बाहर की तरफ जा रहा हूँ। दूसरा, आपको फायर करना है कुछ ऐसे जहां पर एनिमी होगा। एंड गाइस, इसके बाद आपको इन दोनों स्टेप को एक साथ करना है। जब आप इन दोनों स्टेप को एक साथ करोगे तो आप पीक एंड फायर देना चालू कर दोगे, जिससे क्या होगा कि आप एनिमी को डैमेज दे पाओगे। लेकिन एनिमी अगर आपको ड्रैग हेडशॉट मारने की कोशिश करेगा तो उससे ड्रैग हेडशॉट नहीं लगेगा, बिकॉज आप उसको इतना ज्यादा पीक नहीं दोगे जितना कि उसको चाहिए। तो इससे आप एनिमी को बहुत इजीली मार भी सकते हो, और हाँ, अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो आप इससे हेडशॉट भी मार सकते हो। आप देखो यहाँ पर मैं कितना आसानी से पीक एंड फायर कर रहा हूँ। देखो, मेरे को डैमेज यहाँ पे पड़ गया है और एनिमी यहाँ पर मेरे ऊपर रश भी कर रहा है, लेकिन सिर्फ पीक एंड फायर की वजह से यहाँ पर मैंने उसको आराम से ड्रैग हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। ये कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3, जो कि है क्लोज रेंज फाइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोज रेंज फाइट, जब आप ओपन में फाइट लेते हो। तो ओपन में फाइट लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि गाइस, अगर कोई और एनिमी आपको देख रहा होगा तो वो जल्दी से आपके ऊपर थर्ड पार्टी कर देगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको कैसे डिफेंस करना है जब आप ओपन में फाइट कर रहे हो और एनिमी आपको डैमेज दे दे जल्दी से, तब आपको कैसे बचना है। तो गाइस, इसके दो ही सॉल्यूशन है। सबसे पहला,
अगर आपके पास कोरोनो कैरेक्टर है तो। कोरोनो कैरेक्टर का फायदा ये होगा कि गाइस देखो, कोरोनो कैरेक्टर से आप एक शील्ड बना लोगे जिसके डिफेंस में आप उसको आराम से मार सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोरोनो कैरेक्टर नहीं है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मुझे डैमेज पड़ा है तो हमेशा अपने ग्लूवोल के राइट साइड में खड़े हो जाना है और वहाँ खड़े होकर मैडी मारना है। तो जब एनिमी आपके ऊपर रश करेगा तो आपको बस उसी का कवर लेके एनिमी को मार देना है, क्योंकि गाइस अगर आप डैमेज हो चुके हो तो आपके चांसेस कम होते हैं जीतने के। बस एक यही तरीका है जिससे आप एनिमी को मार सकते हो। देखो मेरे को डैमेज पड़ा, मैं राइट में खड़ा हो गया ग्लू वॉल के और जैसे ही एनिमी आया मैंने उसको मार दिया। तो यही एक चांस है जहां पर आप विदाउट कोरोनो एनिमी को मार सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 4, जब आप घर में फाइट लेते हो। गाइस देखो, क्लोज रेंज फाइट अगर आप घर में लेते हो तो सबसे अच्छा है, बिकॉज क्लोज रेंज फाइट का फायदा ही तब है जब आप घर के अंदर फाइट लोगे। बिकॉज घर के अंदर क्या होता है कि आप 2 से 3 एनिमी 4 एनिमी को आराम से मार सकते हो, मतलब एक पूरी स्क्वाड को आराम से वाइप आउट कर सकते हो। चाहे आपके पास क्लोज रेंज हो चाहे आपके पास लॉन्ग रेंज हो, आप इजिली मार सकते हो। दूसरा फायदा क्या होता है गाइज मैं आपको बताता हूँ, जब आपको ऐसे डैमेज पड़ता है तब गाइज आपको एनिमी को पागल बनाना है और एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर एनिमी बहुत लेट आए। तो जब तक वो आएगा तब तक आप मैडी मार के आराम से बैठ चुके होगे और आप थोड़ा सा छुप जाओ उसके बाद, और जैसे ही एनिमी आएगा आप उसको इजिली मार सकते हो। तो गाइज ये तो था जब आप एनिमी को पागल बनाते हो। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ जब आप डैमेज हो जाते हो घर के अंदर। तो यहाँ पर देखो, घर के अंदर जब आप डैमेज हो जाते हो तो आपको क्या करना है, अपने आप को ऐसे पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आप अपनी मैडी मारो ताकि आपकी हील पूरी हो जाए, और जैसी वो हील पूरी होती है तब आप एनिमी से दोबारा लड़ सकते हो। यहाँ पर देखो, मैंने दोबारा से पीक एंड फायर किया, उसके बाद रश करके एनिमी को मार दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है एनिमी को मारने का। अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 5 जो है ग्रेनेड। गाइज इससे डिफेंस आपको कैसे करना है मैं ये बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले देखो आप गलती क्या करते हो। गाइज एनिमी क्या करता है कि ऐसे कुक करके ग्रेनेड आपके ऊपर फेंक देता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि कब उसने आपको कुक करके ग्रेनेड फेंक के मार दिया। गाइज प्रो प्लेयर इसी बात का फायदा उठाते हैं, आपको लगता है कि वो वेट कर रहे हैं कि आप बाहर निकलोगे तो वो ड्रैग हेडशॉट मारेगा, बट ऐसा नहीं है। गाइज वो उतनी देर में ग्रेनेड को कुक करके आपके ऊपर फेंक देते हैं जिससे आपको वो इजिली मार देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इससे कैसे बचना है और आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रेनेड कुक कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब भी एनिमी आपको डैमेज देता है और आपके पास कोरोनो कैरेक्टर है फिर तो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइज कोरोनो कैरेक्टर डिफेंस में सबसे बेस्ट है। यहाँ पर देखो मुझे डैमेज पड़ा है, मैंने यहाँ पे शील्ड बनाई है और जैसे ही वो ग्रेनेड फेंक रहा है मैंने कोरोनो कैरेक्टर का यूज करा है, तो गाइज मुझे वो ग्रेनेड का डैमेज नहीं पड़ेगा और मैं इजिली मैडी मार सकता हूँ। इसका एक और फायदा ये होता है कि अगर एनिमी आपके ऊपर रश करता है उस टाइम ग्रेनेड फेंक के, तो आप कोरोनो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करके एनिमी को मार सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास कोरोनो कैरेक्टर नहीं होगा तब गाइज आप 2 चीज कर सकते हो। सबसे पहला, आप ग्रेनेड से डिफेंस के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ आके ऐसे ग्लूवल लगा सकते हो ताकि एनिमी का ग्रेनेड थोड़ा दूर फूट जाए, या फिर जब एनिमी ग्रेनेड कुक कर रहा होगा तब जाके रश करके एनिमी को मार दो। ये 2 तरीके हैं जब एनिमी ग्रेनेड कुक करके आपको मारना चाहता है और आप उसको इजिली मार दो। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर जरूर कर दो। और गाइज सब्सक्राइब आप नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन डेली की डेली आपके पास आ जाए। तो चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सब अपना ध्यान रखो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।